देश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। आज आद्या और आर्या का हॉलिडे है। आज का पूरा दिन वे दोनों अपनी दादी के साथ बिताने वाली हैं। दादी उन्हें फोर फ्रेंड्स की स्टोरी जो सुनाने वाली है। आइए सुनते हैं ड्राइंग करते हुए आद्या और आर्या अपनी दादी से क्या बातें कर रहे हैं। दादी दादी देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है। दादी दादी मैंने भी ड्राइंग बनाई है देखिए। अरे वाह बच्चों तुम दोनों ने तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। वेरी गुड। रुको रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये लो टॉफीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। बराबर बराबर बांटना बच्चों। ओके दादी। मेरे प्यारे बच्चों तुम दोनों को मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। वाओ स्टोरी। ओके दादी। जंगल में एलिफेंट का एक बेबी था, छोटा सा और मोटा सा। बेबीज नेम वाज गुज्जू। गुज्जू जंगल में मस्ती से घूम रहा था और घूमते घूमते एक छोटा सा रैट जिसका नाम बच्चों मैसी था गुज्जू के पैरों से टकरा गया। मैसी स्टार्टेड शाउटिंग हेल्प हेल्प हेल्प। तब गुज्जू ने नीचे देखा और मैसी से कहा सो सॉरी मैसी तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैसी ने कहा मैं जंगल में घूमने जा रहा हूँ। प्लीज गुज्जू तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। ओके डियर मैसी चलो हम साथ साथ जंगल घूमते हैं। इस तरह दोनों फ्रेंड बन गए। आद्या आप बताओ बेटा हाउ मैनी एनिमल्स बिकेम फ्रेंड्स? दादी दो। ऑल राइट आद्या टू एनिमल्स एलिफेंट एंड रैट। दादी फिर क्या हुआ? जंगल का मौसम बहुत सुहावना था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, चारों तरफ हरियाली थी। बच्चों अचानक मैसी की नजर एक बन्नू नाम के रैबिट पर पड़ी जो टू फ्रेंड्स को टुकुर टुकुर देख रहा था। और बन्नू मन ही मन सोच रहा काश मैं भी गुज्जू की सवारी कर पाता। फिर बन्नू ने गुज्जू से पूछा गुज्जू भाई वेयर आर यू गोइंग? गुज्जू ने कहा मैं अपने फ्रेंड के साथ जंगल घूमने निकला हूँ। यह सुनकर बन्नू हैप्पी हो गया और कहने लगा गुज्जू भाई प्लीज मुझे भी अपने ऊपर बैठा लो, मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। तो आर्या तुम बताओ हाउ मैनी एनिमल्स बिकेम फ्रेंड्स? दादी तीन। Yes, very good, very good. Three animals. Number one, elephant. Number two, rat. And
नंबर 3 रैबिट। आगे पता है क्या हुआ? क्या हुआ दादी? फिर 3 फ्रेंड्स मिलकर आगे बढ़े। अचानक बर्ड के जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। तीनों फ्रेंड्स ने ऊपर देखा, एक स्नेक ट्री पर चढ़ रहा था। बच्चों पता है बर्ड क्यों चीख रही थी? क्यों दादी? क्योंकि बर्ड को लगा स्नेक ऊपर आकर उसके सारे अंडे खा जाएगा। फिर जल्दी से गुज्जू ने स्नेक को अपनी सूंड से उठाकर नीचे पटक दिया। द बर्ड बिकेम वेरी हैप्पी। उसने गुज्जू से कहा, थैंक यू गुज्जू, आज तुमने मेरी हेल्प की है ना, कल तुमको जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, देखना। नाउ दे बिकेम फ्रेंड्स। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बताओ, हाउ मेनी फ्रेंड्स वर दे? दादी 4। करेक्ट, दे वर 4 फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ? फिर सभी फ्रेंड्स एक ट्री के नीचे आराम करने लगे। दादी गुज्जू तो बहुत अच्छा है, वो सबकी हेल्प करता है। यस चिल्ड्रेन, गुज्जू इज रियली अ वेरी नाइस फ्रेंड। तो कैसी लगी तुम दोनों को 4 फ्रेंड्स की स्टोरी? दादी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, हमने बहुत एंजॉय की। और दादी हम दोनों ने स्टोरी से काउंटिंग भी सीख ली। थैंक यू दादी।